हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर चैनल ऑल टाइम व्लॉगर पूनम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम जा रहे हैं कुछ सामान लेने, राशन का सामान जो होता है किचन का, वो लेने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, काफ़ी देर हो रही है और सुबह का जो खाना वगैरह था वो सब खा चुके हैं, नाश्ता वगैरह कर चुके हैं। मतलब कि आज हमने लेट से खाना खाया तो नाश्ता और खाना इकट्ठा ही हो गया। यही होता है जब घर में सबकी छुट्टी होती है, तो क्योंकि लॉकडाउन फिर से हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं, सामान लेने जाना है। कुछ काफ़ी सामान जो है वो ख़त्म हो रहा है घर का, तो वो लेके आना है। चलिए, ये सुबह से बारिश हो रही है इधर। और हम जा रहे हैं कैंटीन सामान लेने के लिए घर का। हम वापस आ गए हैं घर पे, सामान ले आए हैं। तो मैं थोड़ी देर में आपको सामान दिखाती हूँ। ओके, तो ये जो मैं सामान लाई हूँ ये मैं आपको दिखा रही हूँ। राशन का कुछ थोड़ा बहुत सामान मैं लेके आई हूँ। तो ये है कुछ मसाले, ये है कैच का गरम मसाला और सब्जी मसाला, और ये है चकदे का पिंडी छोला मसाला। फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, अभी तक यूज़ नहीं करा पर ले आई, क्योंकि छोले का मसाला मैं लेके आती हूँ। तो मैं अभी तक एवरेस्ट का ला रही थी, लेकिन अब क्या चकदे का लाई हूँ थोड़ा चेंज। और ये लाई हूँ मैं सेंसोडाइन, दो सेंसोडाइन, क्योंकि कई बार ठंडा गर्म दांतों में लगने लग जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये सेंसोडाइन। नेक्स्ट है हमारा ये आलू भुजिया, तो आलू भुजिया है, एक नींबू मसाला, ठीक है। और ये लाई हूँ मैं सॉस की बॉटल, एक किसान की है ये, टमाटो केचप। और ये है वैसलीन का डेली ब्राइटनिंग हेल्थी ब्राइट लोशन, सर्दियों में बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है ये हमारा फ्रंट लोड, हमारी वॉशिंग मशीन है, तो ये उसका है एरियल फ्रंट लोड मैटिक लिक्विड डिटर्जेंट। उसके बाद है ये फॉइल लाई हूँ मैं, और ये है 1 kg का, ये फ्रेशी द रियल बाइट ऑफ फ्रेशनेस इस पर लिखा हुआ है, तो एल्युमिनियम फॉइल है ये। नेक्स्ट क्या है, दो हैं ये मैगी के पैकेट, बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चों के घर में, या कई बार हम जब खाना वगैरह नहीं बनाने का मन है, या बीच में स्नैक के तौर पर लंच मतलब ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो, सुबह तो नहीं लेकिन दोपहर को ले सकते हो दोपहर के बाद। और ये है एक काली मिर्च का पैकेट, काली मिर्च, और ये मतलब कि पीस के मैं डालती हूँ, पीस के रख लेती हूँ और सब्जियों में डाल लेती हूँ। और ये है एक पूरा बिस्किट का, इसमें 12 पैकेट हैं बिस्किट के, और ये यूनिबिक का है, ये ऑरेंज फ्लेवर है इसका, ऑरेंज का है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और नेक्स्ट क्या है, ये है ज़ीरा, ये पाउडर का है पाउडर, और ये है अजवाइन। अजवाइन मैं ज़रूर डालती हूँ, पराठे वगैरह बनाती हूँ तो मैं उसमें अजवाइन ज़रूर डालती हूँ, अजवाइन वैसे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये है चने, ये चने का पैकेट है, चने तो वैसे ही अच्छे होते हैं, तो ये एक चने का पैकेट भी लाइए। और क्या है, दाल, ये है मिक्स दाल, सबसे ज़्यादा बनती है हमारे घर में मिक्स दाल, लेकिन अभी मैं और कोई मतलब कि छोले वगैरह यहाँ से नहीं लाई, क्योंकि मैं वो छोले वगैरह और लेने रह रहे हैं, वो और लूँगी मैं लेके आऊँगी, तो क्योंकि भीड़ थी इसलिए हमने जल्दी जल्दी ये सारा सामान सेलेक्ट किया और रख लिया। और ये है बेसन का पैकेट, बेसन तो बहुत ज़रूरी होता है, वो बारिश वारिश पड़ रही है, सर्दियाँ हैं, पकौड़े बना के खाओगी। और ये है मैदा, छोले भटूरे बनाने हो कुछ भी बनाना हो उसके लिए, और ये पंसारी की मैदा है, ठीक है, और पंसारी का ही बेसन है। और ये एक ट्रॉफी का पैकेट लाना,
कॉफी लेयर्स, कॉफ लेयर्स ये टॉफी का पैकेट है। आप भी रखते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, कोई भी खा लेगा, बड़े भी, हम भी सब खा लेते हैं। ये एक और मैदा का पैकेट, दो मैदा के पैकेट, हाँ ये एक और मैदा के पैकेट रखते हैं। और ये दो बिस्किट के पैकेट और हैं, ये क्या है, बर्बन एम 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 एमविटीज, सॉरी एमविटीज के हैं। और ये दो बर्तन धोने का है, दो बर्तन धोने की, ये स्कॉच ब्राइट की बहुत ज़रूरत होती है, ये भी स्क्रब पैक, ठीक है। और ये है बीकानो की भेलपूरी, बहुत टेस्टी बनती है ये। और ये देखिए, ये मैं लाई हूँ चार घी के डब्बे, ये हैं, ये एक एक किलो के हैं। और ये है मधुसूदन देसी घी, ठीक है, ये चार हैं देसी घी के। देसी घी हमारे घर में बहुत खाया जाता है, तो देसी घी के डब्बे। और ये हैं दो रिफाइंड की कैन, क्योंकि बड़ी वाली आज हमें मिली नहीं, तो हम छोटी वाली दो ले आए, क्योंकि सर्दियों में मेथी, पालक, गोभी और बहुत पराठे खाए जाते हैं। और ये है एक मेरी गुलाबरी, गुलाब जल। ओके, ये तो हो गया हमारा सामान। और अब मैं आपको इनका रेट बता देती हूँ कि ये सामान हमें किस रेट में पड़ा है। तो मधुसूदन जो है घी, हमें वो एक एक किलो का, ये वैसे एमआरपी है 615 और हमें पड़ा ये 418 में। ओके, नेक्स्ट है सफोला गोल्ड। तो सफोला गोल्ड की दो लीटर की कैन है, ये दो लीटर की कैन है और ये हमें पड़ी है, ये एमआरपी इसकी 455 है और ये हमें पड़ा है 358 का। और क्या है, फ्रेश फॉइल, हाँ फॉइल पेपर हमें पड़ा है 541 का, और वैसे कितने का, ये 849 का है। और इतना महंगा होता है ये, गॉड, पता ही नहीं था आज तक भी। तो ये 541 का पड़ा है हमें 1 kg का। और मिक्स दाल हमें है, मिक्स दाल पड़ी है 224 उसकी एमआरपी है, और 128 की वो हमें पड़ी है। अजवाइन का 50 का है एमआरपी और 28 का हमें मिला है, वो 28 रुपीज़ का। और बेसन का है 72 एमआरपी है और वो हमें 45 में पड़ा है। आलू भुजिया 46 एमआरपी है, 37 उसका प्राइस हमें पड़ा है, मतलब जिसमें हमने लिया है। और जीरे का 75 है तो वो 51 में हमें मिला है। नींबू मसाला 46 का है और 36 में हमें पड़ा है। और जो मैदा के पैकेट्स हैं वो 154 का है, तो 27 का हमें मिला है। और छोले मसाला 70 का है, तो 48 का हमें मिला है। सब्जी मसाला 52 का है, 32 का हमें मिला है। गरम मसाला 80 का है, कैच का गरम मसाला है, 80 का है, 51 का हम लेके आए हैं। और ये क्या है, रोस्टेड चना, चना है 70 रुपीज़ का, तो 42 का हमें पड़ा है। सेंसोडाइन जो पेस्ट है, जेल पेस्ट, वो 185 का है और 122 का हमें पड़ा है। चकदे काली मिर्च, साबुत काली मिर्च 120 का एक पैकेट है और एमआरपी है उसका, और 81 का वो हमें मिला है। और बर्बन बटर कुकीज़ 26 का पैकेट है ये एक, और 20 का हमें मिला है। और सेफायर सीक्रेट टॉफ लेयर बटर, यानी ये टॉफी का जो पैकेट है ना, ये 150 रुपये का है और 108 का है, 150 का है इसका एमआरपी और 108 का ये हमने लिया है, यानी 108 का हमने। और हिम हनी क्रीम एंड सोप ऑल फेवरेट, ठीक है, ये ओ सॉरी, ये साबुन तो मैं बताना ही भूल गई, ये हिमालय का जो सोप है ये हम लेके आए हैं, तो ये 50 रुपीज़ का है, ये हमें 30 का मिला है, इसका एमआरपी जो है वो 50 रुपीज़ का है और ये 30 का हमें मिला है। और वैसलीन का जो लोशन है ना, ये 385 का है और ये 301 रुपये में हमें मिला है। और किसान का केचप 140 उसका एमआरपी है और 104 रुपये में हमें मिला है, ये 104 में कि चलिए ये तो हो गया। अब नेक्स्ट लिस्ट में आपको बताती हूँ, मैगी नूडल कहाँ गए, हाँ ये रही। तो ये मैगी का जो पैकेट है ना, ये 72 रुपीज़ का है इसका एमआरपी और 52 में ये हमें मिला है, तो यानी कितना फ़ायदा हमने किया है अपना। कि UNB कुकीज़ 60 ग्राम, तो ये जो कुकीज़ का पैकेट है ये भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, तो ये हमें मिला है कितने का, ये
93 का हमें मिला है और इसका जो प्राइस है वो है 120, क्योंकि इसमें 12 पैकेट्स हैं और 10 रुपीस का शायद एक पैकेट होगा। ओके, पंसारी जो मैदा है ना वो मैं बता चुकी हूँ 54 की है, 26 में पड़ी है। बिकैनो भेलपुरी तो वो हमें पड़ा है खीरा, ये हमें पड़ा है 50 रुपये का था, ये 30 रुपये में, 30 रुपये में मिला है। और जिलेट विक्टर कार्ट कुछ ये भी है कि तो सब निकलता जाता है, पता नहीं क्या क्या है। ये शेविंग का है तो ये जिलेट विक्टर कार्ट पड़ा है, ये 120 का है इसका MRP और ये 75 रुपीज़ में पड़ा है, 75 रुपीज़ में ये ब्लेड्स। ओके, तो गुड होम स्क्रब पैड बर्तन धोने का ये 30 रुपये का है और 15 में हमें मिला है। और मेरा ये सबसे मेन सबसे अच्छा पसंदीदा ये है डाबर गुलाबरी और ये 80 रुपीज़ का है इसका MRP और ये 48 में हमें मिला है। एरियल लिक्विड 1 लीटर, तो ये हमने दो लिए हैं, एक पीछे रखा है, तो ये हमें पड़ा है 250 का है, ये 148 का हमें पड़ा है। तो यही हमारा आज का है शॉपिंग हॉल, ग्रॉसरी हॉल जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये हमें बहुत मतलब कि सस्ते में पड़ा है, ये सारा सामान मतलब हमारा फ़ायदा हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें कि बाय बाय।